मध्य प्रदेश के बाद अब बात छत्तीसगढ़ की। दंतेवाड़ा से इस वक्त की खबर, जहां पर नक्सलियों ने पोस्टर जारी किया है। तो दंतेवाड़ा से इस वक्त की एक लेटेस्ट अपडेट, नक्सलियों ने एक बार फिर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। पोस्टर उन्होंने जारी किया है, कटिकल्याण एरिया कमेटी ने ये पोस्टर जारी किया है। ननपा, मुर्कीनार, रानी बोदली हमला जैसी घटनाओं को दोहराने की जिक्र उन्होंने किया। भूमकाल आंदोलन की 111वीं वर्षगांठ मनाए जाने की अपील की है। एक साल में 100 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों को गद्दार उन्होंने बताया है। सजा देने की भी बात इस बैनर पोस्टर में लिखी गई है। टेटम और चितवाल पुलिस के कैंप में बड़ा हमला करने की धमकी दी है। तो नक्सलियों ने पोस्टर एक लगाया है और पोस्टर के माध्यम से इन तमाम बातों का जिक्र नक्सलियों द्वारा किया गया है, जिसमें ननपा, मुर्कीनार, रानी बोदली हमला जैसी घटनाओं को दोहराए जाने की बात कही गई है। भूमकाल आंदोलन की 111वीं वर्षगांठ मनाने की बात लिखी गई है। एक साल में 100 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है, जिन्हें नक्सलियों ने गद्दार बताया। पंकज भदौरिया संवाददाता हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। पंकज, जानना चाहेंगे नक्सलियों ने जिस प्रकार से ये बैनर यहाँ पर जारी किया है, पोस्टर, जिसमें तमाम बातों का जिक्र किया गया है, खासा आक्रोश नक्सलियों में देखा जा रहा है, पूरी जानकारी चाहेंगे इस पर आगे आपसे। बिल्कुल, नक्सलियों में इस पोस्टर के जरिए खासा आक्रोश देखा जा रहा है। बता दूं मैं कि कटिकल्याण एरिया कमेटी के नक्सलियों ने इस पोस्टर को फेंका है और कटिकल्याण थाना क्षेत्र से 2-4-5 किलोमीटर की दूरी में ये पोस्टर देखा गया है। पुलिस ने इन पोस्टरों को बरामद कर लिया और इन पोस्टरों में जिन बातों को उन्होंने लिखा है उससे ऐसा लगता है कि नक्सली कोई तैयारी कर रहे हैं या पुलिस पर कोई बड़ा हमले की साजिश रचने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि दंतेवाड़ा एसपी से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि जब अगर नक्सली कोई हमला कर रहे हैं तो उस हमले को एक्सपोज नहीं करते। ये नक्सलियों का फ्रस्ट्रेशन बताता है कि वो किस तरीके से बैकफुट में, उनके 100 से ज्यादा जो साथी है वो पुलिस के खेमे में जब से सरेंडर कर दिए हैं तो वही बौखलाहट है, उसी बौखलाहट में इस तरीके के पोस्टर या बैनर जारी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उन्होंने जो उल्लेख किया है कि टेलम और चिकपाल कैंप में हम जल्द कोई बड़ा हमला कर सकते हैं, तो हो सकता है कि कोई ऐसी खुफिया हो, रणनीति तैयार कर रहे हों उस कैंप में हमला करने के लिए। क्योंकि उन्होंने उस पोस्टर में ये भी एक जिक्र किया है कि 5 साल पहले उन्होंने जितने बड़े हमले किए, जैसे कि मिनपा की मुठभेड़ जिसमें 5 से 15 जवान शहीद हुए थे, ऐसे ही रानी बोदली का हमला जिसमें 52 लोगों को उन्होंने शहीद किया, तो उन सभी बातों का उन्होंने उल्लेख किया है। तो कहीं ना कहीं नक्सलियों चेतावनी इसको माना जा सकता है पुस्तक। जी बिल्कुल। पंकज, एक और जानकारी आपसे जानना चाहेंगे। जैसे कि आपने अभी बताया कि आपकी एसपी से इस मामले को लेकर बातचीत भी हुई है और इस बैनर पर जो कि नक्सलियों ने जारी किया इसमें उन्होंने एक बड़ा हमला करने की भी बात का जिक्र उन्होंने किया है, तो अब इस चेतावनी के बाद, इस धमकी के बाद नक्सलियों द्वारा में जो ये बात कही गई है, पुलिस आगे अब क्या कुछ पहल करेगी सुरक्षा के मद्देनजर? हालांकि उन्होंने सुरक्षा की बात को लेकर के कोई बड़ा नहीं बताया, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि दंतेवाड़ा जिले में जो नक्सली और पुलिस का जो मूवमेंट है, जिसको लेकर पुलिस सुरक्षा का जिम्मा लेकर के चलाती है, तो जंगलों में उनकी उनका जो ऑपरेशन है वो तो लगातार चल ही रहा है, लगातार फोर्स अंदर अंदर जा ही रही है। दंतेवाड़ा एसपी ने यह भी कहा है कि आज भी दोपहर 12 बजे तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें 2-3 बड़े नक्सली समर्पण कर सकते हैं। तो लगातार जो समर्पण नीति पुलिस चला रही है इससे तो नक्सली बैकफुट में जा ही रहे हैं और ये हमले जैसी जो बात है तो इससे एक बात स्पष्ट होती है कि अगर उनको हमला करना है नक्सली तो इस तरीके को पोस्टर जारी नहीं करते, हमले की रणनीति को पहले एक्सपोज नहीं किया जाता है। जी चलिए, बिल्कुल। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया पंकज आपका। तो भूमकाल आंदोलन की 111वीं वर्षगांठ मनाए जाने की बात भी लिखी गई है। एक साल में 100 से अधिक नक्सलियों ने सरेंडर किया है और यही वजह है कि इसका आक्रोश सीधे साफ तौर पर नक्सलियों पर देखा जा रहा है, जिन बातों का इन्होंने जिक्र किया है इस बैनर पोस्टर में। और जैसे कि हमारे सहयोगी ने बताया कि 12 से 1 बजे के बीच पुलिस द्वारा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें कुछ और नक्सली जो है वो यहाँ पर सरेंडर कर सकते हैं।